जन्नत मेरी है पांव तेरे, कौन है जो इनकार करे। ओ माँ मुझको रुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे अपने फ्रॉक की तुरपाई कर रही हूँ। वो फ्रॉक मेरा बहुत ही लॉन्ग था, जो कि मैंने लिया था, कहाँ से लिया था, मैंने लिया था जनरेशन से, और काफ़ी लॉन्ग था। तो मैंने कहा इसको चलो छोटा कर दूँ, इसलिए इसकी तुरपाई कर रही थी, क्योंकि मुझे आज पहनना था और काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ था, पहना ही नहीं था मैंने। तो यहाँ पे बस तुरपाई कर रही हूँ। और आज है जी मदर्स डे, और माओं का दिन है, और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। और अम्मी के घर वैसे तो चक्कर लगते ही रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन डे स्पेंड वहाँ पे पूरा नहीं किया, तो आज मैं वहाँ पे अपना डे स्पेंड करने जा रही हूँ। तो रहती नहीं हूँ वहाँ पे, जाती हूँ और आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे फिर ये होता है कि माओं का घर शादी के बाद ऐसे पराया पराया सा लगता है। फिर लगता है कि नहीं, अपने घर नींद आएगी, अब तो नींद नहीं आएगी। तो जहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं आएगी। तो इसलिए मैं वापस आ जाऊँगी। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पार्सल, जो कि रुमान की फरमाइश है, क्योंकि बाहर की चीज़ें बंद हैं। तो ज़ाहिर है बच्चों का हर वक्त रोटी का दिल नहीं करता, मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें बना देती हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा की डो बना ली थी और उसको फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो डो जैसे कि फूल गई, डबल हो गई। तो मैंने उसकी एक रोटी सी बना ली थी, फिर उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली, मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया जी चिकन। चिकन डाल के इसके ऊपर फिर मैं डालूँगी लाल मिर्चें कुटी हुई, और हर्ब्स मिक्स हर्ब्स जो होते हैं वो डाल दूँगी। तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट से बड़े मज़े के बन जाते हैं, पिज़्ज़ा से ज़्यादा तो ये अच्छे बन जाते हैं। तो इसको फिर क्या करूँगी कि मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, इस तरह करके मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए बन जाते हैं, वैसे भी नॉर्मली भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से मैं इसका गोल गोल इसको फोल्ड कर दूंगी। इसको चाहें तो पिन व्हील टाइप जैसे होते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह मैं नहीं बना रही, मैं पिज़्ज़ा पार्सल टाइप बना रही हूँ। तो इसको मैं काट लूँगी, आप छोटे भी काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं। तो मैं बस इतने ही साइज़ में इसको काट के, और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए, और इसमें बेक कर दूंगी मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मज़ीद। और क्योंकि अंदर चीज़ मैंने डाली थी, और बाद में मुझे याद है कि मैंने और चीज़ तो डाली ही नहीं, लेकिन आपने चीज़ डालनी है और ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी, तो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। अंदर आप जिस तरह की चाहे फिलिंग कर सकते हैं, चिकन सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ भी। और ये देखिए ऊपर से मैंने चीज़ डाल दी थी, ऑलिव्स डाल सकते हैं, ऑलिव्स का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो जी बस इस तरह से मैं इसको बेक कर दूँगी, और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे जाना भी था, और मुझे फिर एक सालन भी बना के जाना था। तो ये देखें ये बेक हो रही हैं। तो ये है जी मनाल का हैप्पी मदर्स डे का कार्ड, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, उसने छोटा सा बनाया बिल्कुल, और बड़ा क्यूट सा बनाया, मुझे प्यार भी आ रहा था। तो उसको मैंने अभी अभी बताया, उसका रोज़ा भी था, तो मैंने कहा मनाल आज मदर्स डे है, तो कहती मम्मा मैं आपके लिए कार्ड बना लूँ जल्दी जल्दी, मैंने कहा चलो बना के आ जाओ। यहाँ पे नरगसी कोफ्ते भी बना रही हूँ, लेकिन इसकी पूरी रेसिपी नहीं दे सकी, क्योंकि रात को ही मैंने चिकन जो है सारे मसाले लगा के उसको रख दिया था, और अब मैं इसको अंडे के ऊपर कोट कर रही हूँ। तो ये भी सालन में साथ लेके जाऊंगी। आप रहेंगे उधर थोड़ा जहाँ पानी।
और यहाँ पे मैं कोफ्तों की ग्रेवी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन जो है वो ब्राउन करने के लिए रखा था। थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो फिर मैंने इसमें टमाटो पेस्ट जो है वो जो मैं बाहर से मिलता है, मैंने वो इसमें 2 चम्मच डाल दिए थे। और इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की कोरमे वाली जो है ना हमें अच्छी लगती है, तो हम वही बनाते हैं ज़्यादातर। और लेकिन मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको नहीं दे पाई, मैं इंशाल्लाह ईद पे जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दूंगी इसकी पूरी रेसिपी। तो नरगिसी कोफ्ते बड़े मज़े के बनते हैं, उसमें काटो तो फिर बीच में अंडे की जो शेप होती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं इस तरह पहले बहुत बनाती थी, मैंने बहुत ही टाइम के बाद जो है ना इसको बनाया है। और बस इसको बना के फिर मैं चली जाऊंगी अम्मी के घर। यहाँ पे तैयारी हो रही है जी अफतारी की। क्या बन रहा है, पकौड़े ये चिप्स? पकौड़े और चिप्स दोनों। अच्छा, पकौड़े और चिप्स दोनों बन रहे हैं। ये हटके बढ़ जाएंगे। ये मैं के मैच बनेने पे यहाँ चिकन ड्रमस्टिक। हाँ। ते नाल ट्राई करें। चिप्स बने, ट्राई करें। आज इतना कुछ ज़्यादा नहीं बनेंगे, बस ये थोड़ा कुछ बन दे। बस शायद नहीं खुली बस हूँ डाल क्रीम तो बगैर सारा कुछ बंद हो गया यहाँ पे। और ना पार्लर गए हैं छोकरे ने इतनी वो की है मान की वजह से हम इतने परेशान रहे, इतने परेशान रहे, सारी शॉपिंग करे थे लेकिन सब कुछ रोक दे, पर कुछ दिल ही नहीं कर रहा था निकलने को। बस इसी परेशानी में कि अल्लाह सब खैर करे, सब फातिमा ने ना मैं लहंगा भी लड़ गई। मैं लोगों से देखा मैं कि लोग कितने खुश हैं, क्योंकि समझ ही ना आवे कोई मैं इधर गिना तो मैं गिना से फिर जो मेरी नजर ने काम किया ना ये कि तब गलत गिना ही वो नहीं रहे थे और अच्छे मिल गए। वो उस दिन शाल का लेने लगे थे लेकिन हमने नहीं लिया, हमने कहा चलो फिर आके ले लेंगे, लेकिन मैं उसके लिए ले ही नहीं सकी बिल्कुल, एक सूट भी मैं उसके लिए नहीं ले सकी। और पुराना मनाल तो जी आपकी ही दुआओं से रुमान जो है वो बहुत माशाल्लाह से उसके टेस्ट भी ठीक आए हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गया है और अब तो माशाल्लाह से चल भी लेता है। मैंने गाड़ी पे भी हमें बाहर ले गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, बहुत ही अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह हम पे इतने एहसान करता है। और मैं कहती हूँ कि एक एक चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम देख सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, इस चीज़ का भी हमें अल्लाह पाक का इंतहाई बेहद शुक्र अदा करना चाहिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर आपकी छोटी सी उंगली में भी अगर पेन होता है वो काम नहीं कर सकती, तो आप को कितना एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करा करें। अगर नहीं है कुछ हमारे पास, कुछ किसी चीज़ की कमी भी है, तो भी हम अल्लाह ताला ने हमें हाथ पांव दिए हैं, हमें एक नॉर्मल इंसान बनाया है, ये भी एक बहुत बड़ा करम है। हमें इस दौरान ये अंदाज़ा हुआ है जब रुमान का ये मसला था, जब वो बिल्कुल चल नहीं सकता था, आप यकीन करें उसको 1 सेंटीमीटर भी वो नहीं कदम अपना मूव कर सकता था अपनी टांग को, तो बहुत ज़्यादा परेशानी में वो दिन गुजरे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने, कहते हैं ना कि शर के बाद खैर है, अल्लाह ताला भलाई पैदा कर देता है, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है।
और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। बहुत बहुत ही करम है। मुझे तो अंदाज़ा हुआ है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसी न किसी चीज़ का एक कमी का रहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है, एहसान है। और आज था जी मदर्स डे और अम्मी को दे रहे हैं गिफ्ट। अम्मी ने जी केक काट लिया है, अब मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या 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 अम्मी को दिया है। और पहले मैं आपको अपना फ्रॉक दिखा दी, आपको याद होगा मैंने कब लिया था शादी फ्रॉक, ये मेरी बर्थडे पे, हाँ इसके बर्थडे पे लिया था, फरवरी में लिया था, अभी गर्मी नहीं आई थी तब लिया था। तो अभी अम्मी के गिफ्ट्स खोलते हैं, हमारा केक ही बैठ ध्यान ध्यान ना ऐसे वाले, लेकिन मैंने कहा नहीं जब आपने पहने कलर इतना अच्छा ना, टी पिंक टाइप तो यही तक था जी आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।